पंकज त्रिपाठी जी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, क्या ये आपके पहले चॉइस थे? ये काम करके आए थे अक्षय सर उनके साथ किसी एक फिल्म में, और वो थोड़े उनसे ये थे, देखकर उनका काम के बहुत अच्छा लगा था उनको, तो उनको कहा कि वी कैन हैव अ फ्रेश फेस लाइक पंकज त्रिपाठी। आपने इस फिल्म की कहानी लिखी है, ये बताएं व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? कहानी एक तरफ से आती नहीं, वो चार तरफ से दिशाओं से मारती रहती है, फिर आप उसमें एक लोंढा बना के उसका मूर्ति तैयार कर लेते हैं, अलग अलग मिट्टी से आती है। मैंने प्रसून जी को कम से कम 70 मैसेज भेजे होंगे, जब भी मेरे पास कोई रिव्यू आता है मैं वो रिव्यू उनको भेज देता हूँ, लेकिन कोई उत्तर नहीं है। मैंने उनको हाथ जोड़ के ऐसे मैसेज दिया था कि सर प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए, हम लोग बीच का रास्ता निकाल के फिल्म का भला हो जाएगा, दर्शकों का भला हो जाएगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं है। ये मूछ जो ऐसी की है उन्होंने, ये उन्होंने वहीं घर पे बैठ के बोला मैं ट्रिम करता हूँ, मैं भी अंदर आता हूँ, आप देख लीजिए। टीका लगा के अंदर जैसे ही आई चेक शर्ट में, ये चेक शर्ट नहीं था, दूसरा रेड वाला था, और जैसे ही अंदर आए हमारे असिस्टेंट ने बोला सर ये तो बहुत ही शरीफ आदमी है। नमस्कार, मैं अमित राय और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा दोस्तों, मेरा नाम है उर्मिन और बहुत खुशी होती है जब एक फिल्म रिलीज होने के इतने हफ्तों तक भी चलती जा रही है, उसके चर्चे इतने चल रहे हैं। एंड आज इसी फिल्म के कर्ता धर्ता यानी कि द मेकर, द राइटर, द डायरेक्टर अमित राय जी हमारे साथ। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा, आप सुनाइए। मैं डायरेक्ट आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी, जब आपने सोचा कि ओ माय गॉड, जो एक ऑलरेडी एक फिल्म हमारे सबके जहन में है, दिल में बस चुकी है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, जिसने कई लोगों की लाइफ को चेंज भी किया, इसका सीक्वल जब सोचा तो व्हाट वाज योर ग्रेटेस्ट फियर? पहले का जो बैगेज था वो एक समुदाय ने बाद में एक 10 सालों में उसके मीम्स और ये सब बना के जगह जगह जब चाहे तब पोस्ट करना शुरू किया, और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको उस नज़र से देखना शुरू कर दें जिस नज़र से ओ माय गॉड 1 को देख रहे हो, क्योंकि आप जब भी प्रस्थापित समाज के विरुद्ध जाकर कुछ कहते हैं और अगर वो प्रगतिशील विचार हो तो उसको रोकने के लिए भी एक गति होती है जो सामने से बहकर आती है। तो मुझे लगा कि अगर ये कहने जाएंगे, और तब मुझे इतना भय शुरू में नहीं लगा था, ओवर द प्रोसेस मुझे लगने लगा कि क्योंकि जब लोग आते हैं आपका स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कोई ना कोई नुक्ताचीनी करता है कि ये ऐसा होगा, तो किसी श्रोता ने सुना, किसी एक्टर ने सुना या किसी दोस्त ने सुना, तो वो बताते रहते हैं यार कहीं ऐसा तो नहीं फंस जाएगा ऐसा। तो मुझे इतना, मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ मैं, कि मैं हमेशा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक कर देगा, ऐसा बोल के मैं आगे बढ़ गया। लेकिन अब जब फिल्म रिलीज़ के पहले जो एक यूफोरिया बना था कि आने दो फिल्म को देखते हैं, तो मैं हाँ भगवान से ही मना रहा था, भगवान हमने एक बहुत ही ईमानदार कोशिश की है और इंटेंट में हमारी कोई बेईमानी नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट दिख ही गया, 99.99% लोगों को पसंद ही आया फिल्म, क्रिटिक्स हों या यूट्यूबर्स हों, इन्फ्लुएंसर हों, बच्चे हों, पेरेंट्स हों, फेसबुक पर लिखने वाले हों, सभी लोग उसके बारे में लिख रहे हैं। मैं तो अभी ऐसा थक गया हूँ कि मैं वो पढ़ते पढ़ते मुझे रोज 4 पढ़ने का लगता है, यार कितना अच्छा लिख रहे हैं। और क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है अभी आपको याद आ रहा है राइट नाउ? कॉम्प्लीमेंट तो फिल्म जब पहले फर्स्ट आ गया था, मतलब एडिट लॉक होने के बाद, तो आमतौर पे मैं और एक्टर और मेरे और स्टार के बीच में ऐसा एक थोड़ा सा ये है ना, क्योंकि वो एक्टर भी है, स्टार भी है और प्रोड्यूसर भी है, तो आपको एक मर्यादा रखते हैं हम, तो वैसे दोस्ती जैसा रिश्ता तो मैं नहीं कहूँगा हमारा है, हमारा तो बहुत ही ऐसा रिश्ता है कि एक दूसरे से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, फिर चेंज भी कराते हैं एक्टर से। लेकिन एक दिन वो सेट पे गया उनको मिलने के लिए, तो निकलते उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और ऐसे साथ में लेके, जैसे किसी को बच्चे को हक करते हैं ना वैसे, उनका हाइट भी बहुत बड़ा है, तो मैं तो ऐसा एकदम सीने में ताक गया उनके। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है जी आपने, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी रो दूंगा, क्योंकि वो पहला अपने आप में प्रोड्यूसर अगर आपको कह रहा हो कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा, मेरे को लगा था कि उन्होंने मेरे को कहा था कि फिल्म चले नहीं चले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पैसा कमाए नहीं कमाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्राउडली कह सकता हूँ अपने घर में, दोस्तों में, सर्कल में, सोशल सर्किट में, कि ये फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है। मुझे उस दिन वो बहुत अच्छा लगा था, मैं आकर इसी ऑफिस में आके नीचे बैठ के मैं 2 मिनट बैठ गया था चुपचाप, कि इतने दिनों बाद किसी ने मुझे फिल्म को लेके इतना बड़ा प्रोत्साहन दिया था, तो वो मेरे को मोमेंट, थोड़ा चार्ज मोमेंट था। और दूसरा, मेरे एक दोस्त ने श्यामपत यादव करके, मैं छोटा हूँ उससे, वो पढ़ने की आदत उसी ने लगाई थी मुझे, वो टीचर हैं अभी एक BMC स्कूल में, तो उन्होंने मुझको फिल्म देखने की आदत से धीरे से आके, थोड़ा वो शाय नेचर का है, तो उसने 51 रुपया मेरे हाथ में ला के रखा, तो बोला ये तेरा इनाम है, जैसे फिल्म में 51 रुपया था, तो ऐसा उसने जैसे हाथ में रखा मेरा हाथ ऐसा शेक होने लग गया। तो ये 2 मोमेंट मुझे बहुत चार्ज मोमेंट लगे। आपने इस फिल्म की कहानी लिखी है, ये बताएं व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, क्योंकि इस फिल्म की कहानी जितने लोगों ने देखी है, जितने लोगों ने पसंद की है, ऐसा लगता है कि ये पहले क्यों नहीं आई, व्हाई हैव वी नॉट स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, सो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन?
नहीं, इंस्पिरेशन तो ऐसे बहुत, कहानी एक तरफ से आती नहीं, वो चार तरफ से दिशाओं से मारती रहती है, फिर आप उसमें एक लोंढा बना के उसका मूर्ति तैयार कर लेते हैं, अलग अलग मिट्टी से आती है। मेनली अगर आप कहेंगे तो शुरू शुरू मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो 8 साल का रहा होगा वो ऐसे, तो उसने ना ऐसा मोबाइल खेलते खेलते उसने ईमेल आईडी क्रैक कर लिया मेरा। अच्छा। तो मुझे ऐसा डर लगने लगा कि अगर ये ईमेल आईडी क्रैक कर ले रहा है तो कल को अगर टीवी पे यूट्यूब का वो एक आईडी बनाएगा और कुछ भी देखेगा, तो ये एक भय था मेरे अंदर। मैंने वाइफ से बात की तो उसने कहा कि हाँ हम लोग चले जाएंगे काम पे तो यूट्यूब खोल के देख ही सकता है वो। अभी भी उसने यूट्यूब का अकाउंट बनाया, वो 24 साल लिख के बना लिया, मैं उसका लिए नहीं करने का बोला। नहीं नहीं वो इसमें जो फाइटिंग वाला गेम है वो नहीं देखने देता है, बच्चों को बहुत बंदूक बंदूक वाले गेम बहुत अच्छे लगते थे, मैंने मना कर दिया। तो मुझे वो तब भय था, अभी भी भय है वो, तो आप उसको आप रोक नहीं सकते। मुझे समझ में आ गया कि आप कितना भी अंकुश लगाएंगे इसको आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मोबाइल के रूप में एक जिन्न की तरह आ गया है सब बच्चों के हाथ, वो ऐसे रगड़ते हैं और कुछ भी देख सकते हैं, और उस तरफ से कोई बंधन नहीं है। आप घर में अगर ना हो तो बेटा हो या बेटी हो कोई भी हो, वो आराम से फिल्म देख सकता है या कुछ भी देख सकता है और कोई भी शब्द टाइप कर सकता है। तो मुझे लगा यार इससे तो अच्छा है ना कि वो कहीं और देखेगा तो हम ही लोग बात कर लें, कि मैं उसको बता दूं कि ये देखिए ऐसा ही, ये तेरी उम्र का नहीं है, अभी 1-2 साल बाद तेरे को अपने आप ही तेरी बॉडी बोलेगी तुझे देख करके। अभी तू लड़कियों से शर्माता है, उस तक कल को तुझे लड़कियों से बात करने का मन करेगा, वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे लड़कियों को भी करता है, वो एक उम्र के साथ साथ चलता है, वो तेरा एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, तो उससे शर्माने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात हमारे साथ किसी ने कभी की नहीं थी, मतलब एक बहुत मराठी बहुत बड़ा एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, बहुत अच्छा एक्टर है मराठी का, तो उसने 2 दिन पहले मेरे से बात की, तो उसने एक किस्सा बताया कि जब फिल्म में गाने आ रहे थे ना सेक्सी पैंट भी सेक्सी ऐसा कुछ गाना आया था, तो मैंने अपनी मामी से पूछ लिया था, वो टाउन साइड रहते होगा या पुणे साइड मुझे लगता है उस समय, तो उसने मामी ला विचार लो कि मामी सेक्सी बन के काएगा, तो मामी थोड़ी मुस्कुराई होगी, बोला कि गप ऐसा बोल के मामा ला विचार। तो मामा शाम को काम पर से आया, तो उन्होंने मामा को पूछा कि मामी ने मामा को बता दिया कि तुम्हारा विचार होता था सेक्सी मंजे का है, तो मामा ने उसको बुलाया, हाँ का विचार होता था बड़ा तू, तो समझ मैं विचार ले सेक्सी मंजे का है, फाड़ करके कान के नीचे बजाया उसके, बोला तो पूरे ना विचार है कर लगा। उसने बोला ये थप्पड़ ना जो मुझे लगा था मुझे अब तक मेरे कान में गूंजता है, या मेरे को उसकी तासीर सा मालूम है, मुझे लगता है आगे किसी बच्चे को ये थप्पड़ नहीं पड़ेगा तुम्हारी फिल्म देखने के बाद। तो मुझे लगा कमाल बात बोली उसने, क्योंकि हमने जो इंटेंट रखा था वो ये रखा था कि एक कॉन्वर्सेशन शुरू होगा, हमें भी नहीं पता था कि ये इतने जोर से आएगा वेव के रूप में और बार बार आता रहेगा, अभी भी आ रहा है, मतलब कल परसों तक भी, मैं अभी कल गोरखपुर में था तो हाउसफुल था, गोरखपुर के सिंगल स्क्रीन थिएटर में हाउसफुल था वो, तो मैं बोला कि वहाँ, और वो उत्तर प्रदेश है, जैसे जैसे स्टेट बदलता है वैसे वैसे वहाँ की मनोदशा भी बदलती है, मानसिक स्थिति भी बदलती है। उत्तर प्रदेश भी बहुत रीजनल और ऐसे जगह है, आप केरला की तरह तो नहीं माप सकते उसको कि आप वहाँ, लेकिन जहाँ लोगों का देखने का दृष्टिकोण है फिल्म का वो सब जगह कॉमन है। मैं देख रहा हूँ वो ऊपर से लेके नीचे तक, इधर से लेके उस तरफ तक, सब लोग जो बात कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके मन को भिड़ रही है बात। After you've made the film, apprehensions तो होंगे ना, क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन एज सच हमारे देश में तो एज अ टैबू ही माना जाता है कि कैसे बात कर ले। मुझे अभी भी याद है कि स्कूल में हम में से कई लोगों को लड़कियों को साइड में करके एक एक क्लासरूम में हाँ लेके जाते थे, वहाँ बात करते थे अबाउट यू नो नाउ यू आर ग्रोइंग अप, ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें, एंड लड़कों को सिर्फ मजाक लगता था ये सारी चीज़ें। सो क्या आपको लगता था कि दैट व्हेन यू वर मेकिंग द फिल्म दैट कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कुछ और? नहीं, वो डर मुझे नहीं लगा था, तू सच बोले तो मैं वो बिल्कुल नहीं डरा था, क्योंकि मैं खुद ही पहले ना टीचर था, तो मैंने लड़कियों को ही पढ़ाया। अच्छा। और मेरे पास लड़कियों के स्टूडेंट 1-2 होते थे, और 27-28 मतलब 27-28 का बैच हो तो 25 लड़कियां 3 लड़के, वो शर्माते थे। और एक्चुअली क्या है मेरा ना, मैं घर में पला हूँ तो मेरी मम्मी, मेरी बहन छोटी, और फिर पढ़ाने के टाइम स्कूल में जो मेरे अधिकतर हमेशा ऐसा रहा है कि ना मेरी स्त्रियों से ज्यादा ये रही है दोस्ती रही। कॉलेज में भी मेरे जो कॉमर्स स्टूडेंट के जो दोस्त थे सब मेरे लड़कियां दोस्त होती हैं, तो मुझे ना वो फियर बहुत, मुझे लगता है बहुत पहले निकल गया होगा मेरे अंदर से, कि मैं औरत को औरत की तरह देखता नहीं था, मैं एक बराबर, मैं बराबर वो बराबर। इसके लिए मेरी बहन का भी जब विवाह हुआ था तो उसने मुझे ही कहा था कि मुझे कोई पसंद है, जबकि वो बहुत बड़ी बात होती उस समय कि बहन, छोटी बहन ने बड़े भाई को कहा कि मेरे को तेरा दोस्त पसंद है शादी करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ना मेरे अंदर से बहुत पहले इम्यून हो गया रहूंगा मैं, इसलिए मुझे वो इतना झटका नहीं दे रहा। दूसरा ये भी था कि मुझे ये पता था कि जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, काल्पनिक नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी विदित है जी। मैंने कहीं से किताब उठाई पंचतंत्र की, उसमें कामशास्त्र का जिक्र था, मैंने वेद पढ़ा होगा कभी तो उसमें जिक्र था, अजंता एलोरा को और खजुराहो को जिस तरह से मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ध्यान के माध्यम से वहाँ काम भी सिखाया जाता होगा, तभी तो पत्थरों में गड़ा हुआ है, कामदेव नाम का देव है। तो मुझे लग रहा है मेरी तैयारी ना बहुत पहले हो गई होगी एज अ टीचर भी, कि आप जब कुछ पढ़ाने जा रहे हो तो उसको आप पढ़ाने की विधा से देखो,
इस विधा से मत देखो कि कोई उस पर उंगली उठाएगा. तो ये मुझे धीरे धीरे, लेकिन मुझे भी उम्र में पहले नहीं पता था, जब मैं घर में था तो मुझे ये सब नहीं पता था. बहुत सालों के बाद मुझे पता, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं. जो दोस्त यार ज्ञान देते थे वही ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञान था कि हाँ ये जो गुप्त ज्ञान दिया जा रहा है मित्रों द्वारा ये सबसे सटीक है. लेकिन कालांतर में जब आप पढ़ते हैं आगे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं यार वो गलत था. जो हमारे अंदर गिल्ट चल रहा है ये बहुत नैसर्गिक है, ये हर बच्चे को मन में आता होगा. ये आप शर्मा की शर्म की वजह से नहीं कह पा रहे हैं और बात है, औरतों का तो और भी बुरा है. ये नॉर्मलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है ये फिल्म ने वो चीज़ की. बट अनफॉर्चुनेटली जिस टारगेट ऑडियंस के लिए ये फिल्म बनी थी, टेल अस कि आपने कितनी कोशिश की. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज़ ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं. बट हाउ मच डिड यू ट्राई स्पीकिंग टू द बोर्ड, व्हाट वेंट इनटू द प्रोसेस ऑफ नॉट वांटिंग इट टू बी एन ए सर्टिफिकेट फिल्म. जी हाथ तो जोड़ा था मैंने, मुझे याद है अच्छी तरह से. और मैंने निकलते वक्त उनको ये कहा भी था कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म OTT पे जाएगी, समझो कि मैं आपके पास नहीं आता सेंसरशिप के लिए. राइट. और हम प्रोड्यूसर सब तय करते हैं कि चलो छोड़ो जाने दो, बहुत ये लग रहा है उनको, लग रहा है ये फिल्म थिएटर में जाके ऑडियंस के लिए है, इसके लिए हमने रिस्क उठाया. नहीं तो हमारे लिए मंच खुला था, इसके पहले भी जो बड़ी फिल्में आ रही थी ना, मतलब OTT पर जा ही रही थी, हमारे लिए मंच खुला था, हम चाहते तो. और जियो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग पार्टनर है, जो सबसे ज्यादा इसके पास सब्सक्राइबर है अभी, जो देखने के लिए, सुनने के लिए, मोबाइल भी देखने के लिए. हम चाह रहे थे कि अकेले आदमी घर पे ना देखे पिताजी, और हम चाह रहे थे कि पेरेंट आके देखे फैमिली की तरह, ताकि जब बाहर जाए तो बेटा पूछे पापा वो क्या बोल रहे थे अंकल फिल्म में, तो बता बेटा ऐसा है कि उम्र 13. मैं चाह रहा था कि वो कॉन्वर्सेशन होता, और प्रोड्यूसर एक पेज पे थे. हम चाह रहे थे कि ठीक है हम ये रिस्क लेते हैं, हम ये रिस्क लेते हैं कि हम जाते हैं उनके पास और उनको बोलेंगे कि ये फिल्म ऐसी है. हमें जरा भी इल्म नहीं था कि हम जब दरवाजा खोलेंगे तो भाग करके इतनी बड़ी रोशनी आएगी कि हमको कुछ नजर नहीं आएगा. जब टीजर भी गया था ना, तो उन्होंने वो शॉट सेंसर करने को कहा जो ओ माय गॉड 1 का शॉट था, जो ऑलरेडी 10 साल पहले आप लोग सेंसर कर चुके थे. और उन्होंने कहा कि ये शॉट हटाइए आप, जो कृष्ण जी के सामने परेश भाई बोलते हैं कि मैं इस पर केस करूंगा. तो बोला नहीं वो शॉट हटाइए आप, सिर्फ एक सिंगल शॉट जो भी रखिए जो थोड़ा ऐसा नॉन. मैं बोला सर ये तो ऑलरेडी सेंसर्ड है, वो तो नेटफ्लिक्स पे चल रही है, अमेजोन पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, जो सेंसर्ड है उसको आप और फिर से सेंसर करने की बात कर रहे हैं. तो हमने बोला कि छोड़ो जान दो, हमको बहस नहीं करना, इस देश का एक कानून है, टीजर का समय आ गया है, लेट अस, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको तो कांतिशन मुद्गल बोलना है और कांतिश भाई बोलना है, कांजी भाई बोलना है, दोनों का एक एक शॉट लगा दो. मैं उससे खुश नहीं था, कई लोग हमारे यहाँ खुश नहीं थे, लेकिन हमने बोला यार हमने बहस नहीं करेंगे, फिल्म फंसाएंगे नहीं. मुझे लगा था ये एक टप्पा पार हो गया है, अब फिल्म देखने के बाद मैंने उनको ये दावा भी किया था, सर देखिए आप जब मेरी फिल्म देखेंगे ना आप बेहद खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा हाँ यार कमाल की फिल्म है. लेकिन अंदर जाने का ठीक 360 डिग्री टर्न हुआ, वो 2 घंटे बाद हमको अंदर बुलाया और फिर वो जो बातें जब शुरू हुई तो मैंने लगा, मुझे लगा कि मैं ये कैसे बात करूँगा. उनको लग रहा है कि स्कूल सही है बच्चे को निकाल रहे हैं तो, और मुझे लग रहा है बच्चा सही है उसको निकाला जा रहा है. मैंने उनको ऐसे इशारे में कहा कि सर हम दोनों विपरीत दिशा में बात कर रहे हैं, हम कहीं भी जगह पर पहुँचेंगे ही नहीं. फिर वो प्रोसेस शुरू हुआ, फिर कट्स की बात. कितने कट्स हुए इन ऑल टोटल? 27, मोर देन दैट. नहीं हमने तो क्या बात करके हमने ये उनको थोड़ा लॉजिक भी चाहिए था, तो वो लॉजिक पे मान भी गए. जो उनको लग रहा था कि हाँ ये बहुत ऐसा है तो हम काटेंगे, मैं बोला ठीक है सर, उससे फिल्म की आत्मा को कोई हानि नहीं पहुँच रही तो आप निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो मुख्य गाभा है वो उसका मत हिलाइए आप. तो कुछ कदम वो चल के आए, कुछ कदम चल के आए, तो कटने के बजाय एक मॉडिफिकेशन का हमने बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि उनको पता था कि ये रोज रोज आ रहे हैं. और ऐसा नहीं कि वो निर्दयी थे, मुझे लग रहा है उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी, पिछला कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, और सरकार ने उनको कोई दायित्व दे रखा है तो वो उसको देख रहे होंगे, तो उनके कंधे पे बोझ होगा. लेकिन फिर मुझे लगने लगा थोड़े दिनों बाद, जब फिल्म आ गई और 4-5 दिन बाद चारों तरफ से शोर होने लगा, तो मैंने हर मीडिया के माध्यम से बोलना शुरू किया कि सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप इसको UA कर दीजिए, किसी स्पेशल प्रोविजन में कर दीजिए, ताकि क्योंकि इंटेंशन ही यही था कि फैमिली देखें. आपने उसका पर्पस ही डिफीट कर दिया, आपने उसको ही मार दिया. तो अब ये फिल्म देखिए, देखा जाए तो सभी लोग जो ट्रेड पंडित हों या एग्जीबिटर्स हों या व्यूअर हों, सबका अपना अपना कहना है. एग्जीबिटर कह रहा है यार अगर आपकी ये फिल्म ना UA होती ना तो आज जो ये 100 करोड़ करके गई ये 180 करती, वो अपना आर्थिक नुकसान देख रहे हैं. पेरेंट्स बात कर रहे हैं कि अगर मैं बच्चे को लेके आई हुई थी ना तो मैं उससे बिंदास बात कर पाती या बात कर पाता, वो उनका मानसिक नुकसान है. अभी ये समझाना, ये समझा मैं, अच्छा ये वो लोग प्रबुद्ध है, मैं समझाने के लिए मैं कोई इनसे बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ ना ही मैं क्लेम कर रहा हूँ. मैंने एक फिल्म के माध्यम से एक बात रखी थी, उसको हम लोग, मैंने प्रसून जी को कम से कम 70 मैसेज भेजे होंगे. जब भी मेरे पास कोई रिव्यू आता है मैं वो रिव्यू उनको भेज देता हूँ, लेकिन कोई उत्तर नहीं है. मैंने उनको हाथ जोड़ के ऐसे मैसेज देता कि सर प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए, हम लोग बीच का रास्ता निकाल के फिल्म का भला हो जाएगा, दर्शकों का भला हो जाएगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं है.
तो मैंने सोचा ठीक है अब ये दो हफ्ते थे, अब तो पीछे जाने का मतलब ही नहीं है। तो आखिर को वही हुआ, मतलब आप एक बार गलती कर देने के बाद अगर आप वो मान लेते हैं, अगर आपको पता चल गया आपने गलती की है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई छोटापन है। बट आई बिलीव दैट OTT पर आप अनकट फिल्म डाल रहे हैं, इज दैट ट्रू? ऑब्वियसली हमने कोई फिल्म ऐसी बनाई नहीं है जो जनता में रोष पैदा करेगी और एक रेवोल्यूशन आएगा और लोग घर पत्थर मारेंगे और आग लग जाएंगे स्कूल में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो यू आर सेइंग कि जिन्होंने ये फिल्म को थिएटर में देखा है वो फिर से देखेंगे, उनको और आनंद आएगा कुछ, मतलब हमें एक एक जो फिल्म जो आपके विजन से बनी थी वो देखने मिलेगी। हाँ, वो वैसा ही हो जाएगा कि आपने शरबत पिया हो और उसमें शक्कर कम हो लेकिन मीठा लग रहा होगा। हाँ। फिर जब प्रमाणिक शक्कर आएगा उसमें जो बराबर मात्रा में होगा तो आप पियेंगे तो उसका स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है, तो होगा मीठा ही लेकिन आपको पता चलेगा कि ये इसका रियल स्वाद है। मतलब बिल्कुल ऐसा है रसगुल्ला आप किसी और शहर में खाएं और कलकत्ता में। सही बात है, सही बात है। पंकज त्रिपाठी जी के और मैं बात करना चाहूंगी, क्या ये आपके पहले चॉइस थे या फिर आपने सोचा कि परेश रावल जी से भी बात कर लेनी चाहिए बिकॉज उतना इम्पैक्ट था विद द फर्स्ट फिल्म? नहीं, दोनों ही महान अभिनेता है, मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छे अभिनेता है और ये निर्णय ऐसे साझा नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली पहला आएगा तो हम परेश भाई को ही देखेंगे और मैं तो पहली फिल्म अपनी उनके साथ ही की है और वो अभी तक इन 10 सालों में सब जगह उन्होंने ही कहा कि मैंने आज तक 3 ही फिल्में की हैं उसमें रोटो संगम का नाम वो पहला या दूसरा रखते हैं हमेशा, तो मेरे लिए तो बहुत आसान भी था। लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ ऊपर नीचे जा रहा था कुछ, तो फिर ये काम करके आए थे अक्षय सर उनके साथ किसी एक फिल्म में और वो थोड़े उनसे ये थे देख कर उनका काम की बहुत अच्छा लगा था उनको, तो उनको कहा कि वी कैन हैव अ फ्रेश फेस लाइक पंकज त्रिपाठी, अगर बाप बेटा है तो ऐसा एक चेहरा, तो बीइंग अ बिहारी आई नो दैट कि वो भी बिहारी है तो मुझे मालूम था कि मैं मालवा लेके जाऊंगा उनको वहाँ, तो मुझे भाषा को लेके थोड़ा एज एन एक्टर मेरे को जरा भी इन पे शंका नहीं थी, मैंने उनका काम गैंग्स ऑफ वासीपुर से लेके मिर्जापुर तक देख रखा। दूसरा ये भी था कि बहुत फट से जब आते तो ऐसा मिर्जापुर का इतना बड़ा उन पे इंप्रेशन था तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं उनको मिलके बोला कि सर, मैंने बहुत ईमानदारी से, मैं हमेशा बिंदास बोल दिया करता हूँ, मैंने उनको ही बोला कि सर, उनने मेरे को कहा था कि अरे बहुत बड़े बड़े डायलॉग हैं, मेरे को थोड़ा याद करने में समय लगता है, आमतौर पर मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ और पूरा उसका ये निकाल के जिस्ट आता है और कहानी मैं कह देता हूँ। तो बोला सर मैं लाइन नहीं हिला सकता इसमें, तो बोला अरे बड़ा अच्छा है, मुझे या थोड़ा समय लगेगा। तो मैं थोड़ा डरा भी था लेकिन मैं उनको जब कह दिया ऐसा, तो उन्होंने बोला देखिए कि आपको लगता होगा अगर ऐसा तो मुझे सिर्फ आप एक बार ना थोड़ा मूंछ ट्रिम करने दीजिए, मैं एकाएक शरीफ आदमी हो जाऊँगा। तो मैं थोड़ा ऐसा हंसा कि हाँ, और जैसे ही उनके घर गए उन्होंने ट्रिम करके बाहर आए तो मुझे लगा तो सही में शरीफ आदमी होंगे। तो सडनली हाँ, ये मूंछ जो ऐसी की है उन्होंने, ये उन्होंने वहीं घर पे बैठ के बोला मैं ट्रिम करता हूँ, मैं अभी अंदर आता हूँ आप देख लीजिए। टीका लगा के अंदर जैसे ही आई चेक शर्ट में, ये चेक शर्ट नहीं था, दूसरा रेड वाला था। हाँ। और जैसे ही अंदर आए हमारे असिस्टेंट ने बोला सर ये तो बहुत ही शरीफ आदमी। तो और फिर परफॉर्मेंस के लिए तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, परफॉर्मेंस दर्शकों ने देख लिया। बट ही वाज सच अ परफेक्ट कास्ट, क्योंकि जिन्हें समझ भी है, जो इमोशनल भी है अपने फैमिली को लेकर, और जिनमें जो एंटरटेनमेंट था कोर्ट के पूरे जो सीन थे उसमें, कि आपत्ति है, मेरा फेवरेट वही था कि सस्टेन बोलो, सस्टेन बोल दिया। बहुत बहुत फनी था। एंड अनदर वंडरफुल कास्ट हैज टू बी यामी गौतम। मेरे ख्याल से अगेन इट वाज अ ग्रेट चॉइस। सर आपकी क्या सोच थी बिहाइंड यामी गौतम? मुझे कैसा था कि मेरे दिमाग में दो ही लोग थे शुरू से ही, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे लग रहा था कि अगर स्टार भी चाहिए आपको जिसका स्टार वैल्यू हो, और परफॉर्म करने के टाइम वो एज एन एक्टर जब आए तो स्टार का बैगेज लेके नहीं आए। तो मैंने विद्या जी को पहले पूछा था, अच्छा। उनका भी समय का कुछ था, वो भी ऊपर नीचे हो गया तो नहीं रहा। जब मैं यामी जी के पास गया था तो मुझे लगा था अगर इन्होंने मना कर दिया ना तो फिर मैं कैरेक्टर बदलूंगा, मैं फिर जैसे पहले महेश मांजरेकर जी थे पहले वाले, तो बोला यार फिर मैं करना नहीं चाह रहा था। मैंने अंदर बोल रखा था कि यार फिर कोई मैं दूसरी हीरोइन के पास नहीं जाऊंगा। पर आपको एक वुमन, मुझे हमेशा कामिनी ही चाहिए जो कामिनी नाम हो लेकिन बात अलग कर रही हो। तो जब मैं उनके पास गया तो ऐसा रोल उन्होंने पहले कभी नहीं किया था कि ऐसे उतरेंगी, कोई हीरो नहीं है और वो बगैर, और वो सोलो लीड करने वाली हीरोइन है तो आप उसको ऐसा कैरेक्टर पूछ भी कैसे सकते हो? मैं वो भी डर लग रहा था कि उनको लगे हाँ ऐसा ना बोल दे कि हाउ डेयर यू टू आस्क मी दिस रोल। तो लेकिन उन्होंने बहुत संजीदगी से लिया, मैंने उनको वॉइस नोट भेजा था फिल्म आने के बाद, उन्होंने मेरे को एक बात कही थी जो मुझे अभी जीवन भर नहीं भूली। उन्होंने कहा कि देखिए रोल मैं ये करूँगी तो मेरा नुकसान है, लोग फिर ऐसे ही रोल लेके आएंगे मेरे पास, हीरोइन के रोल कितने कट हो जाएंगे आपकी इस फिल्म के चक्कर में, लेकिन मैं आपको बोलूं कि मैं फिर भी ये करूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कही जानी चाहिए। तो एज एन एक्टर देखो आप अपना सामाजिक दायित्व आगे रखा है, यहाँ एक्ट्रेस नहीं रखते, उनको लगता है यार इसमें माँ बन गए तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तो कोई हीरोइन पूछेगा ही नहीं, छोटे बच्चा कोई हीरोइन छोटा बच्चा लेके माँ बनना ही नहीं चाहती, हमारे यहाँ ऐसा एक प्रस्थापित प्रीकंसीव नोशन है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं
करने को तैयार हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा दैट ये सोशल मैसेज पर है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं मैं करूंगी। अमित जी ये बताया दैट इज इट ट्रू कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने इस फिल्म को सपोर्ट नहीं किया था? आई वुड नॉट से दैट सपोर्ट नहीं किया था, मुझे लगता है उनके पैरामीटर पे बैठती नहीं होगी, उनको पसंद नहीं होगी, उनको कहानी बहुत बोल्ड लगती होगी, उनके प्रोडक्शन हाउस का एक एजेंडा होता होगा कि इस तरह की फिल्म बनानी है, उनका एक मोटिव होता होगा, उनके सेट ऑफ एक्टर्स होते होंगे। बट हैव दे कम बैक नाउ टू यू एंड कांग्रेचुलेटेड यू और नो? उनमें से किसी एक का भी फोन तो नहीं आया है मुझे, तो मुझे ऐसा मुझे और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फोन करके बोले सर हमसे गलतियाँ, मैं चाह भी नहीं रहा हूँ कि कोई ऐसा बोले। उस टाइम उन्हें लगा कि ये बहुत बोल्ड फिल्म है हमारे लिए, हम नहीं जाएंगे फिल्म लेके ऑडियंस तक, शायद हम क्योंकि ये ब्लेड पे तलवार की धार पे चलने जाता पैर कट भी सकता था। लेकिन मुझे लग रहा है जितना मैं सिर्फ कंपेरेटिवली अगर बात करूँ तो वो 8 या 9 लोग उनमें से इस तरफ जब आके मैं देखता हूँ हमारे प्रोड्यूसर्स को अक्षय कुमार जी को, तो मुझे लगा था कि वो बीच का रास्ता ना बोल के कि यार हाँ ठीक है लेकिन थोड़ा इससे, उन्होंने बोला जैसा है वैसा करो। अगर तुमको लास्ट में कार चाहिए तो जैगुआर ले लो, कोट 4x4 का चाहिए तो 40x40 का ले लो, तुमको जैसा चाहिए वैसा करो, मुझको कैसे चाहिए वैसा उतारो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी फिल्म वैसी ही जानी चाहिए जैसी है। और फिर वो आपसी दोनों बैठ के बहस करके कि कहाँ कहाँ कि उनके भी उनका 300 फिल्मों का एक्सपीरियंस है, तो उस पर भी ये था कि यार अमित ऐसे नहीं करेंगे यार, अगर ऐसा होगा तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो लेट इट्स बी वेरी श्योर दैट कि मैं जाने के पहले कैसा, और एक उसका ह्यूमर का भी एक कंटेंट होता है, वो कितना डालना है कितना नहीं डालना है, वो सब आपसी चर्चा के बाद ही प्रेजेंट हुआ फिल्म, तो उनको लगा कि हाँ यार। आपने जैसे फिल्म में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मिक्स किया है एंड कहीं पर भी ज़्यादा ना कम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक लाइक सेक्स एजुकेशन, एंड आई एम सेइंग सेंसिटिव क्योंकि अभी भी इसे नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं लोग एंड ये करना चाहिए। रिलीजन अगेन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड ह्यूमर, इनको ऐड करना भी बहुत रिस्की हो सकता था बट सही प्रपोर्शन में अमित जी आई थिंक सच्ची कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लगता है ये भी ना एक्सपेरिमेंट जैसे ही मानूंगा, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने ये कर दिखाया देखो मस्त था ये, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मुझे डर लगता था कि हाँ इसके आगे जाएंगे कहीं वो इमोशन, क्योंकि देखिए आप एक जब वो प्रोस्टिट्यूट को प्रणाम करके बाहर आते हैं तो उसके बाद सीधे ह्यूमर चालू हो जाता है कि भैया इस तेल से क्या होता है, तो सडनली आपको लगा नहीं यार कैरेक्टर के साथ चला जाएगा, लेकिन बहुत बहुत ऐसा लग रहा था कि सीधे आप हास्य रस से सीधे श्रृंगार पे चले जाएं, विभत्सता पे चले जाएं तो बहुत झटका देता है, आपको रस ब्लेंड होना चाहिए, तो वो मुझे थोड़ा उसका भान था, एक्टर एज एन एक्टर एक्टर्स को भी भान था। और दूसरा ये भी था कि आपका एक्टर ना थोड़े संजीदा थे, वो ऐसे एक्टर नहीं थे कि कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी इम्प्रोवाइज कर लेंगे, उनको पता था कि इस पैरामीटर के बाहर नहीं जाएंगे, और राइटर ने लिखा है तो कॉमा करके आगे नहीं बढ़ेंगे, वो उतना सम्मान उन्होंने लेखक का निर्देशक का रखा था, और वो सामने दिखता है आपको, क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई वो अक्षय कुमार काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला जैसे प्रेजेंट करना है, और लेंथ भी नहीं देखा उन्होंने, आप देखो तो अगर लेंथ वाइज भी देखोगे तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है ये फिल्म में इसने केस किया है ना, मैं वो व्यक्ति हूँ जो इसका सोर्स हूँ, ये फिल्म मेरे कंधे पे है लेकिन ये चलाएगा सारथी बन के वही, तो उन्होंने बकायदा उसके लिए बराबर ऐसा कभी नहीं कहा कि 2 सीन मेरे बढ़ा दे यार, ऐसा कभी नहीं, उनको लगा इस पैमाने पे ये मेरा रोल है, और उसको उन्होंने ईमानदार से, आप देखो फिल्म में ऐसा लगता ही नहीं कि दो अलग 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 है, वो लगते हैं 2 हीरो है फिल्म के, एक जो इंटरवल के पहले एमर्ज करेगा पानी से और लास्ट में कार से जाएगा, और एक जो लड़ रहा है, इतना परफेक्ट बैलेंस दोनों का बहुत रेयरली होता है, मिल गया दोनों भगवान की तरह से। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल तो जरूर पूछना बनता है कि 2 फिल्में एक ही दिन पर रिलीज हुई, गदर 2 और ओ माई गॉड 2, दोनों ही सीक्वल्स। गदर 2 हैज हैड अ मैसिव फैन फॉलोइंग, अब आपको लगता है कि अगर वो फिल्म सेम डे पर नहीं रिलीज हुई तो थोड़ी और अपनी फिल्म ओ माई गॉड 2 भी आगे बढ़ती, डू यू थिंक ऑफ दीज थिंग्स? नहीं, यूँ होता तो मैं कभी नहीं जीवन में सोचता, फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो हम लोग दिन भर ही बैठ के माथा पीट सकते हैं। नहीं, अगर पहले आता तो मैं ओपनहाइमर के साथ आता, रॉकी रानी के साथ आता, बाद में आऊँगा तो जवान के साथ आता, दिवाली में आता किसी और एनिमल के साथ, कभी ना कभी आता तो वो ऐसा ही सामने शुरू में कहा कि गाड़ी निकाली और सब हरा होगा, ऐसा नहीं होगा, 4-5 रेड लाइट भी होगा तो हाँ। और दूसरा हमारा ये भी था ना कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग गदर वर्सेस ओ माई गॉड 2 करेंगे, अगर ऐसा होता तो हम 1 महीना पहले वो गाना नहीं रिकॉर्ड करते। मैं वही पूछने वाली थी, हाउ डिड दिस हैपन, क्या ये थॉट? नहीं, हमारा म्यूजिक जी म्यूजिक ही था, और हमें गाना एक ऐसा चाहिए था जो थोड़ा पुराना हो, जो भगवान के चेहरे पे जब जाए, मतलब एज अ शिव जब वो गाए, तो आजकल के गानों में से तो कोई शिव गा नहीं सकते थे ना, दिन है आज पानी पानी पानी, ये तो नहीं गा सकते थे, हमें गाना बहुत सोबर चाहिए था, और ऐसा चाहिए था गाना जो थोड़ा प्रेम जगाए, थोड़ा भाईचारा जगाए, और दूसरा वो भगवान के चेहरे पे सूट भी करे। तो आनंद बख्शी का ये गाना बहुत पहले से जहन में ऐसा लग रहा था कि हाँ ये गाना मुझे करना है, और मैं बहुत बार गुनगुनाता था, जो उसका अंतराय मुझे बहुत अच्छा लगता, तो मैंने उनसे बात बोला कि
उन्होंने बोला कि हाँ कर सकते हैं। मैं बोला कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि गदर भी शायद ऐसा होगी अभी आने रिलीज होने वाली, तुमको लगेगा। तो बोला यार हम लोग चिढ़ा थोड़े रहे हैं, हम तो गाना गा के उनको कांग्रेस वो ट्रिब्यूट ही था। तो हमने कहा, उन्होंने अक्षय जी ने कहा था कि हम लोग वर्सेस काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओ माय गॉड प्लस गदर जो भी फिल्म हमारे साथ आएगी, इंडस्ट्री को भी ये सीखना चाहिए कि हम साथ में सर्वाइव करेंगे और प्रॉस्पर करेंगे, अगेंस्ट वर्सेस में जाके कुछ होगा नहीं। अगर हम कुछ बातें करें अबाउट द फर्स्ट फिल्म, उमेश शुक्ला जी की फिल्म ओ माय गॉड, क्या यादें जुड़ी आपकी, व्हाट हैव बीन योर फेवरेट मेमोरीज फ्रॉम दैट फिल्म? कमाल की बात है, आपको विश्वास नहीं होगा कि ओ माय गॉड वन में जब अक्षय कुमार जी का इंट्रोडक्शन है, वो आके बोलते हैं कृष्ण वासुदेव यादव ऐसा करके, तो जिस बंगले में वो शूट हुआ था उनका एंट्री, हम जब दोपहर तक शूट करते रहे तो एक या किसी प्रोडक्शन वाले ने बोला, जो उसका भी उस टाइम लाइन प्रोड्यूसर हुआ करता, उसने कहा मुझे लगता है ना ओ माय गॉड वन भी यहीं शूट हुई थी। तो मैंने किसी को पूछा कौन सा सीन, तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन, और हमने भी इंट्रोडक्शन मारने वाला, हमने उनका जो पहला डायलॉग आया वो वहीं पर शूट किया। तो मैंने उनको आके बताया, बोला क्या बात करें, बोला हाँ हमने फर्स्ट फ्लोर पर वो शूट किया था, हम ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस स्टेशन शूट कर रहे हैं। तो अपने आप में ये मुझे लग रहा था कोइंसिडेंस नहीं था, कि फिर से डिवाइन इंटरवेंशन जैसा ही था कि हम लोग वहीं पे आए, वही एक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, और उसी फिल्म में एंट्री भी वहीं शूट हो रही है। तो दैट वाज वन वेरी इमोशनल मोमेंट। मुझे लगता है कि पहले वाले भाग में ना वर्डिक्ट नहीं आया था, भगवान है या नहीं है वर्डिक्ट नहीं, वो सिर्फ एक्टर को पता चलता है कि भगवान है, जनता में किसी को नहीं पता चलता। सही बात है, जनता उसी तरह फैशन में बिहेव करती है, वो एक पुतला बना देती है फिर उसको तोड़ते हैं। वो मुझे मालूम था कि इसमें ना हमें एक वर्डिक्ट देना पड़ेगा कि बच्चा सही है, तो वो मुझे लग रहा है हमने जानबूझ के इस तरफ आया कि बच्चा आएगा और बोलेगा कि मैं, अगर जैसे मैंने सोचा था बच्चा कुछ लिख देगा तो क्या होगा, तो अगर मैं सेक्स लिखता हूँ तो गूगल 1,00,000 साइट खोल रहा है, मैं उसको कैसे समझूंगा, और अगर आप भी नहीं समझाओगे, मेरे पापा अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा नहीं समझाएगा, तो मुझे कौन समझाएगा, फिर तो गूगल ही समझाएगा जो सही है। और आप अगर इस तरह का कोई पॉपअप करता है, जब कोई आप साइट खोलते हो तो इतने सारे पॉपअप्स आते हैं जो मार्केटिंग के हैं, उसमें इस तरह की मार्केटिंग है कि आपको लगेगा कि आप गए, करेक्ट, आप सबसे नपुंसक व्यक्ति हैं, अब आपका जीवन में कुछ नहीं होगा, और वो एक बार आपके यहाँ बैठ गया तो आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अमित जी, आई एम सो ग्लैड दैट हमने ये फिल्म थिएटर में भी देखी, और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे OTT पर वापस देखने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर घर अब हर कोई इसे देखे, एंड जो आप एक स्पेशल मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते थे वो सभी को पहुंचे, सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि लेकिन 13 साल ना लगे अब एक और फिल्म आने के लिए, क्योंकि आपने काफ़ी वक्त लगाया आफ्टर रोड टू संगम, पर आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बता रहे हैं तो ज़रूर बताएं। नहीं अभी तो दिमाग में कुछ अभी क्लैरिटी के साथ नहीं है, क्योंकि उस 4-5 साल इसी फिल्म में लगे हुए थे, तो अभी करेंगे तो वो जल्दी से करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है वो जो पहले लोगों ने 10 साल कोई पूछा नहीं, किसी ने कॉल नहीं, किसी ने काम नहीं दिया, अब शायद उनमें से कोई व्यक्ति आगे आके बोलेगा, या तो मेरे पास तो भी प्रोड्यूसर ऑलरेडी है ही, मैं उनको ही बोल सकता हूँ सर ये फिल्म करनी है। बहुत ही बोल्ड थॉट था आपका, और आज की इस इंटरव्यू से हमें पता चला कि क्या रीज़न था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। माई नेम इज उर्मिन, और बहुत जल्द अब आप OTT पर भी देखेंगे ओ माई गॉड 2। नमस्कार, मैं अमित राय और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।